कायदे इलम में नहीं था या हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने कल ही एक सेक्शन ऑफ एन एग्रीमेंट जो कि 21 अप्रैल 2008 को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट की जो सेक्शन है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, दी काउंसलर एक्सेस शैल नॉट बी ग्रांटेड आर अलाउड इन 3 केसेस। नंबर 1, अगर वो स्पाई है। नंबर 2, अगर वो दहशतगर्द है या वो एस्पनॉज में है। तो ये हमारे जो वकील थे, जो बहुत ही एक्सपेंसिव वकील किए गए, उनको चाहिए था कि वो प्रीएम्बल ये बनाता कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको मैं अपने लफाज में हमेशा चीफ टेररिस्ट कहता हूँ, क्योंकि उसने जितना जितना लहू बहाया हमारे मुसलमानों का विरासत में, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये वही मोदी है जिसने बांग्लादेश में बैठ कर कन्फेस किया था कि बांग्लादेश उन्होंने बनाया, ईस्ट पाकिस्तान उन्होंने तोड़ा, मुक्ति बानी को फाइनेंस उन्होंने किया, मुक्ति बानी को उन्होंने ना बल्कि फाइनेंस किया, पूरा ट्रेन करके जो कत्लोगारत की उन्होंने कराई, ये कन्फेशन। फिर उसके बाद उनके वजीर दाखला की ये कहना कि हम पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मजा चखाएंगे, और फिर उसका बात करना बरामदाद भुगती से उन लोगों से, और बात करने के बाद ये कहना कि हम बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को या कोई भी वहाँ पे उसको पाकिस्तान को लैदा करने के लिए कोई भी हरकत होगी इनकी, उसका पूरा साथ देंगे। तो ये प्रीएम्बल पूरा जाना चाहिए था जो हमने नहीं दिया। आज भी अगर हुकूमत चाहे, क्योंकि किसी वक्त रिगल आउट हो सकती है, और दूसरा ये है कि वो सीधा यूएनओ में जाएं और ये कहें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी जो उनकी मैंडेट थी उसको तजावज़ करते हुए, जबकि दो मुल्कों के दरमियान में एक एग्रीमेंट मौजूद था, उसकी वायलेशन में आर्डर किया, लिहाजा इसको स्क्रैप किया जाए। और एक और अच्छा मौका अगर हुकूमत एग्जामिन कर ले कि हम सारा वक्त लगे रहते थे कि, और हम कहते नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है, और इवन यूएनओ ने एक जो करारदाद सेल्फ डिटर्मिनेशन की पास की थी, अभी हमें उसी कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई कश्मीर का मसला सरहद का मसला है और दो मुल्कों में डिस्प्यूट है, आए आप इसका भी फैसला करते हैं, हमारे पानी का भी फैसला करते हैं, और फिर पाकिस्तान तोड़ने का भी फैसला यहीं से कराते हैं, क्योंकि सॉवरन स्टेट की सरहदों को डिफेस करना, बदलाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, और जो कि जुर्म एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कन्फेशन किया है। सिर्फ सिंपल सा एक प्रोसीजर है, बैसीत एक इन्वेस्टिगेटर बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हमारा एम्बेसडर है, उस ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करके वो भेज दे पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्ट्री से अटैच करके लेके जाएं ये यूएनओ में कि उन्होंने हमारा मुल्क तोड़ा था, ताकि आज अगर इनकी मुंह पे नहीं मारेंगे कल को फिर ये हरकत करेंगे। लिहाजा ये केस मिस हैंडल हुआ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वकील पॉइंट जो हुआ उसके लिए भी प्रोसीजर ऑब्जर्व नहीं हुआ, ये पूरी कौम का मसला है। हमारे लिए हमने समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस बंदे ने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की है उस यादव को, उसको फांसी तक जाना चाहिए। मैं एहसान वाला एहसान में या दूसरे टेररिस्ट जो अभी फांसी पर लटकाए गए हैं और यादव में कोई फ़र्क नहीं समझता हूं, क्योंकि उसने भी वही काम किया जो दूसरे करते रहे हैं, बल्कि वो टेररिस्ट से ज़्यादा बड़ा मुजरम है, इसलिए वो टेररिस्ट को ट्रेन करता था, वो टेररिस्ट को असला सप्लाई करता था, वो टेररिस्ट को फाइनेंस करता था, तो लिहाजा उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बहुत बहस चल रही है, हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन का ये कहना है कि अपने अगेंस्ट जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो सोशल मीडिया के सेल्स बना रखे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, आपने बड़ा एक थीसिस पूछ ली है, और सबसे पहले इस चीज़ का तो मैं शिकार हुआ था, याद है जब मैंने फ़ोन बंद किए थे, और जी रिपीट कर लें जी क्वेश्चन वो कह रहे हैं, जी रिपीट कर लीजिएगा जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो इस वक्त सोशल मीडिया पर पाबंदी की बहुत बहस चल रही है और हुकूमत ये समझती है कि सोशल मीडिया पर जो आज़ादी इजहार इस्तेमाल कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है, मेरे भाई सबसे पहले तो मैं करूँगा कि एक मेरी एक ऑब्जर्वेशन होगी बैसीत इन्वेस्टिगेटर और एक फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर के लिहाज से, और दूसरा मैं ज़ाहिर एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उसका वर्कर हूँ, मैं उसके मैट में रह के भी बात करूँगा, लेकिन बात मैं करूँगा इंसाफ की। नंबर 1, आपको याद है कि जब मैंने टेलीफोनों पे ब्लॉक किया था मेरी बड़ी बैशिंग हुई थी, आज तक वो मैं पैरिटीज नहीं भूलता जो मेरी बनी थी, लेकिन नहीं मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया होना चाहिए,
ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर उस सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जाए, आपकी, मेरी या मेरी बहन की या किसी की बेइज्जती की जाए, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक मैं बात ख़त्म कर लूँ, अब ये बेइज्जती किस अंदाज से होती है, कैसी होती है, उस वो मैं थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ कि फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, और फेक अकाउंट जो बनाए जाते हैं, उन फेक अकाउंटों में आपने देखा होगा कि उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, हर सूरत डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई फेक अकाउंट बनाकर किसी की बेइज्जती करता है, डिफेम करता है, तो उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए, मैं उसको फेवर करता हूं। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी की हो या किसी इंडिविजुअल की हो। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसको वजारत दाखिला को, आईटी डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि इसका जो साइबर क्राइम के वो सेक्शन ऑफ लॉज, जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी रखा था कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया में आज़ादी हो, और बड़ा क्लैरिटी के साथ गया था कि किसी की विक्टिमाइजेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। बहर उस लॉ में विक्टिमाइजेशन का भी एक प्रॉपर एक सेक्शन ऑफ लॉ है। तो लिहाजा मेरी यही, इस चीज़ को मैं प्रचार भी करूँगा कि अगर कोई सोशल मीडिया में झूठा अकाउंट खोल कर किसी की बेइज्जती कंटेंट करते हुए करता हो, किसी अदारे के खिलाफ काम कर रहा हो, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कर रहा हो, किसी ग्रुप के खिलाफ कर रहा हो, तो उसके खिलाफ एक्शन भरपूर अंदाज से उसी ला के तहत होना चाहिए जिस ला को आपकी, मेरी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। देखें वो जो आप बात करें, अगर कोई पहले साहब से, तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये साबित करना कि क्या उनका नाम किसी ने इस्तेमाल किया, अगर किया तो आजकल इतना मुश्किल नहीं है कि आप ईएमआई से पता कर सकते हैं, अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर से पता कर सकते हैं, वाईफाई के कोड से पता कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी टूल्स जिससे आप अंदाज़ा कर लगा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये स्टेट का काम है। लिहाजा मैं उसी चीज़ पे दोबारा एम्फेसाइज करूँगा कि सोशल मीडिया बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किसी की इज्जत पे किसी किस्म का हद तक नहीं आनी चाहिए, और उसको इस अंदाज में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि वो घरों को तबाह करे, वो इदारों को तबाह करे, लेकिन किसी को विक्टिमाइज भी नहीं कर रहा है। चलो यार अभी एक मिनट आपने सवाल कर, मैं सवाल कर लेता हूँ। मैं कैबिनेट में बिल्कुल मैं था, और मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहद अल्लाहुस्समद लामियल्लद वलामियुल्लद पे मैं जब आया तो मेरे एक कुलीग ने मुझे कहा, मलिक साहब आप आउज़ु बिल्लाह पढ़े पहले। तो मैंने कहा यार जो मैंने अपने मौलवी साहब से पूछा है वो आउज़ु बिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं। तो मेरी एक चैनल, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक मिनट नाम नहीं लेता हूँ, उन्होंने गुलामियत को पहले लगा के लामियत बाद लगा के मुझे लताड़ा, आज के सामने पढ़ा मैंने आपके, अगर कहे तो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपकी बात ठीक है जी। अब यह फिर मैंने आखिर में माफी मांग के पढ़ लेता हूँ, मैं सीख लेता हूँ। तो बहरहाल आज आपको सामने आ गया, आपने सवाल किया, और ये चलता है, ये दोबारा भी चलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं 10 दफा पढ़ दूंगा, मेरे दुश्मन दोबारा इसको रिपीट कराएंगे, ज्यादा उसकी कोई परवाह नहीं, मैं अल्लाह को देने अल्लाह। एक मिनट बड़ी अच्छी बात आपने की, अच्छी आज तो आपने सुन लिया मेरा कोलो वल्ला, एक मिनट बात सुने, और इसको मौलाना फजल रहमान ने किया, 4 लोगों ने मेरे सामने, मेरे उस्ताद चौधरी इजाज ने भी गलत पढ़ा, गुशायद साहब ने पढ़ा, बहुत से लोगों ने पढ़ा, यार उसको कोई नहीं कहता, रहमान मलिक विक्टिम होता है, कोई बात नहीं और विक्टिम हो जाऊंगा, बड़ा लगा सवाल करें। यकीन करें मैं रेफरी नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता पाक फौज हुकूमत कैसे चल रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुल्क में अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं, वो बादलों छानों की वजह क्या है वो आप मीडिया मेरे से बेहतर जानता है। एक मिनट, सबको आपने मनी ट्रेल दिखाई थी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में, जो शरीफ खानदान पैसे यहाँ से लेके गया, अब एक मनी ट्रेल जो है वो दोबारा मांगी जा रही है जीआईटी की तरफ से, क्या वॉलंटियर आप जाते हैं वो मनी ट्रेल? देखिए जी, कानून बेटे ये होता है
कि जब कोई इन्वेस्टिगेटर होता है अगर वो मर जाए या ट्रांसफ़र हो जाए तो उसका जो इनकम्बेंट होता है वो जाता है, और अगर एक केस किसी ने इन्वेस्टिगेट किया अगर मैं जिंदा ना होता तो क्या मुझे कब्र से लाखा पे लेके जाते। बहरहाल इस वक्त वो ट्रेल या वो मेरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो मैंने उस वक्त की थी, जो मेरी जगह इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल है या जो वो डायरेक्टर है वही पेश करने का मजाज है। अगर मैं वॉलंटियर करूँगा तो ये पोलिटिकल केस बन जाएगा भाई, वो कहेंगे ये पीपल्स पार्टी आग पूती है इसमें, क्योंकि लॉ अवेलेबल है, कानून की पोजिशन है, आप कानून में पोजीशन वाजिया है कि जो जगह मेरी जगह आया वही जाके पेश करेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी कहा था, मुझे बुलाएगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल आई एम ए पाकिस्तानी नेशनल, आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड लॉ। मैं तो जब इथियन रजिस्ट्रा था चौधरी इफ्तिखार साहब रोज मुझे खड़ा करके रखते थे, मैंने तो बहुत ट्रेनिंग ले ली हुई है सुप्रीम कोर्ट। जो है वो प्रेशर कर दी गई है इंडिया के साथ, जो है की शीट की चल रही है, आप किस नजर से देखते हैं? देखें, इंडिया पाकिस्तान का अजल से दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, और आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लें कि वो उसकी लॉबी कितनी पावरफुल है कि किस अंदाज से यादव का स्टे करवाया है। उसके बाद मैंने बड़ा खुल के ट्रंप पे तनकीद की है और आपके सामने भी दोबारा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 50,000 से ज़्यादा लाशें उठाई हैं, और ये जंग हमने वेस्ट की लड़ी है, ये जंग हमने अमेरिका की लड़ी है, ये जंग हमने पूरी दुनिया के लिए लड़ी है। और ये मुझे देख के अफसोस हुआ, व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप वाज टॉकिंग उसने एक दफ़ा नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, नहीं, पहले वो मिडल ईस्ट, यूरोप, और यूरोप से जंप करके इंडिया, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भूल गए। लिहाजा उस पर मैंने उनके ट्वीट पे डायरेक्ट कंप्लेंट भी रजिस्टर कराया और मैंने कहा मुझे अफसोस है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस महफिल में बैठे हुए हैं, और वो उस वक्त अंदरूनी हमारी जो भी मुखालफत है उस वक्त वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए चूंकि जो ड्यूटी जो उन्होंने नहीं दी। तो लिहाजा मैं ये अर्ज कर दूं कि इंडिया जारी रखेगा चीज़ें ये, और याद होगा आपको कि मैंने 8 पॉइंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप को भेजे थे जब वो इलेक्ट हुए थे, मैं उधर भी गया था उनकी ना जो थी वोट टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद मैंने 8 पॉइंट, उनको पहले पॉइंट मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट नाउ यू आर बीन इलेक्टेड, आप एक काम करें कि इस्लामिक टेररिज्म का नाम लेना मना हो जाए, क्योंकि ये इस्लाम आपके खिलाफ होगा, इस्लाम में कोई दहशतगर्दी नहीं सिखाता। और एक एडवाइस है मेरी उसमें ने दी थी कि फाइट लॉन्ग विद मुस्लिम्स नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, क्योंकि एवरी टेररिस्ट इज नॉट अ मुस्लिम एंड एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट। तो लिहाजा मुझे एक बात की खुशी ज़रूर हुई कि उस पर अमल हुआ और मुझे वो कन्फर्मेशन मिली, उसके बाद उसने इस्लामिक टेररिज्म का नाम नहीं लिया। लिहाजा मैं अपनी काम की तर्जमानी करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम हर्ट हुई है, एंड मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप यू हैव हर्ट पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी हैव अ वॉइस, दो इट्स अ स्मॉल वॉइस बट इट्स स्टिल अ वॉइस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव फॉट दिस वॉर ऑन टेरर फॉर यू, फॉर द वर्ल्ड। एटलीस्ट वी हैड एक्सपेक्टेड दैट यू हैड शुड हैव मेंशनड आवर नेम कि हम भी टेररिज्म के खिलाफ बहुत लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। और मैंने एक बात की थी कि पाकिस्तान में दाइश है, मैंने ये भी उस वक्त वेस्ट को वार्न किया था, इराक में आ गई है, ये पूरी दुनिया में इसकी हीट जाएगी, गई, और आज आप देखें रोज़ एक दो पकड़ा जाता है। लिहाजा इसके लिए भी टास्क फोर्स यहाँ होनी चाहिए। मेरी इतलात के मुताबिक वो दुनिया तकरीबन हर जगह फैल चुके हैं, वर्ल्ड हैज़ टू कम अप विद ए कॉमन स्ट्रेटजी टू फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। अफसोस की बात है, देखें एक चीज़ तो आप भूल जाए, बिल्कुल एक सब पाकिस्तानी रियलाइज़ करते हैं कि सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसका इनिशिएटिव किया, और आसिफ अली जरदारी साहब की यही विजन थी कि वो इसको लेके चलेंगे ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सके। आई एम ग्लैड कि इस हुकूमत ने उसको लेके चली है, हम साथ दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का मंसूबा है लेकिन ये इंडिया का मंसूबा नहीं, इंडिया में हर ये हरकत करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ वेस्टर्न पावर्स इस्तेमाल करेंगे इंडिया को, कुछ वेस्टर्न पावर्स हमारे ही पाकिस्तानी कुछ लोगों को इस्तेमाल करेंगी, उन एजेंटों को, उनको टेररिस्ट को। लिहाजा हुकूमत को कल ही मैंने एक अपनी स्टैंडिंग कमेटी में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप ये एक एक पर्सन सब जमात सब डिपार्टमेंट से लेके सी पैक की इंक्वायरी को ना या उसकी सिक्योरिटी को मजबूत ना करें, बल्कि आने वाले बजट में सी पैक के लिए सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट करें। वो मैं इसलिए कह रहा था, ये नहीं को मुझे पता था कि चाइनीज वो आ जाएंगे, नो आई हैव इन माई माइंड
बाय एनालाइजिंग द वर्ल्ड के पाकिस्तान के वो दुश्मन जो हमारे न्यूक्लियर के भी खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं, वो इस सी पैक को नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे और हमें इसको नाकाम नहीं होने देना। जी 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 आगे जी हाँ जी जी एक मिनट जी जी इसके साथ सबसे बड़े जो देखिए मेरा उस चीज को मैं नहीं सीरियसली लेता। अगर किसी मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ 50 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा किसी जगह खड़ा होना ना तो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज एंड बैश द गवर्नमेंट ऑन इट। लेकिन किस पे होना चाहिए कि आज पाकिस्तान का वो रोल होना चाहिए जो वो रोल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने प्ले किया था जब मैं मीडिएटर बन के ईरान और सऊदी अरेबिया में सुलह कराई थी। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को आपकी वसादत से ये एक एडवाइस करता हूँ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप जाएँ ईरान भी जाएँ, आप सऊदी अरेबिया भी जाएँ और इन दो मुल्कों के दरमियान में सुलह कराएँ। यू आर ए कंट्री विच कैन प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर और मुझे उम्मीद है कि मियाँ साहब मेरी इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले वक्त में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना है। असला बहुत आ गया मिडल ईस्ट में, अब तो ये जो है कोई अच्छा उमन नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करते हुए ये कोशिश करनी चाहिए, हर सूरत कोशिश करनी चाहिए कि ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए जी चलिए सर मैं हाजिर हूँ, जितनी देर कहते हैं मैं खड़ा हूँ। जी जी देखिए एक मिनट सारे पकड़ लो यार, मैं मदद कर देता हूँ यार, पकड़ लो यार सारे जी सारे सामने लाओ। बस मैं आप रियली ग्रेटफुल कि आपको शॉर्ट नोटिस में आप सामने इतनी इज्जत दी। रहमान मलिक साहब मौजूद हैं। जी रहमान मलिक साहब ये बताइए कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं बानी एमकेएम के साथ, हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है, उनके रेड वारंट पहले भी जारी हुए, अब दोबारा जारी करने की बात हो रही है, इंग्लैंड में आप क्या समझते हैं इस सारे प्रोसेस में इंग्लैंड रुकावट है, हुकूमत अपना सही तरीके से केस प्ली नहीं कर पा रही या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है? गुड क्वेश्चन, आपने बड़ा अच्छा तड़का लगाया हमारे तलकात से। मैं नहीं कहता तड़के लगा नहीं थे हमारे और मेरे में इतनी खिलाफी जरूरत है कि मैं बात कर सकता हूँ इस पर। मेरी हुकूमत मेरी पार्टी का मुझे ये हुक्म था कि एमकेएम को ले कर साथ चलना है तो मैंने वो अपनी लीडरशिप का हुक्म ले कर चला। 5 साल पूरे किसी को जरूरत नहीं पड़ी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ एक नारा भी लगाए, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल था। वहाँ वो कंसेंसस के थ्रू था, सख्ती के थ्रू था, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी पे अमल करेगी, हर वो इंसान हो ग्रुप हो जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन होगा, वो मेरा दुश्मन होगा, वो आपका दुश्मन होगा, वो इन आँखों का दुश्मन होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अब बातें यह है कि जो आपने रेड वारंट की बात की है, जब आपने किसी जगह से किसी को मंगवाना है तो उसमें पहले मैंने कहा है कि एक इंटरपोल की चार्टर है, उस चार्टर को आपको फॉलो करना होता है। दूसरा आपने जो जहाँ पे आपकी बायलैटरल रिलेशंस हैं वहाँ से डिपोर्ट करने के वायदे होते हैं, फिर अगर किसी को बुलवाना है तो वहाँ एक्सट्रेडिशन एक्ट होते हैं, हर एक का प्रोसीजर होता है। तो मैं दोबारा अर्ज करूँगा कि मुझे नहीं पता कि रेड वारंट इशू करने के लिए किसने लिखा, कहाँ से लिखा, क्या चार्जेस हैं और कौन सा सेक्शन ऑफ द लॉ और कौन सा वो लॉ उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको भी आपको डाइसेक्ट करके अभी बता दूँ। आपके बड़े सवाल आ गया देखिए जी, मलाला इस वक्त नोबल इनाम याफ्ता हैं और मैंने पहले दिन से ये सवाल किया था कि ये जो एहसानुल्लाह खान है जिसका असली नाम लियाकत है और एहसानुल्लाह खान उसका डेजिग्नेशन था, जैसे डायरेक्टर पियर होता है, जैसे आप यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी टीवी चैनल की, सॉरी आपको एहसानुल्लाह खान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं। बहरहाल उसने ये क्लेम किया था कि मलाला को हमने मारना था, मलाला पे यानी कि पीटीआई ने अटैक कराया है, सॉरी टीटीपी ने कराया, तो टीटीपी ने अटैक कराया है और लेकिन वो थोड़ा उसके साथ अब मैं मुंसलिक नहीं करना चाहता। जब हमें
बहुत सी धमकियां मिलती थी, कहां से आती थी, कौन देता था, भाई आपको पता है। तो टीटीपी का वो जो एक अटैक था वो सिर्फ और सिर्फ एहसानुल्लाह को पता था, सिर्फ एहसानुल्लाह को पता था जो कहता है। और इस पे मैंने स्वात में एक याद होगा इसके ऊपर बाउंटी रखी थी सर पे, इसने 15 मिनट के बाद अनाउंस करा था कि मैं ये बाउंटी डबल रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे रखता हूँ। मैंने इसके 10 केस देखे हैं जिस पे इसने क्लेम किया है कि ये केस उन्होंने किया है। लिहाजा हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उससे ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या मुलाला पे अटैक सिर्फ टीटीपी का था या किसी बार का कोई मुलवस था। वो पूरी की पूरी अगर कोई हिस्ट्री या उस पूरी चीज़ को जानता है, वो एहसानुल्लाह एहसान उर्फ लियाकत जो है, यानी लियाकत उर्फ एहसानुल्लाह जानता है, उससे पता करके कौम को आगाह करना चाहिए ताकि वो शको शुबात जो उस हमले में मौजूद थे कि वो हमला किसने कराया था वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जिसको क्लियर भी करेगी। मैं वादा चाहता हूँ, दो टीम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई होप यू डोंट माइंड। थैंक यू।